subscribe to our channel by clicking the subscribe button. Click the bell button and enjoy the latest uploads from our channel. अनुज की वापसी पे उठा बड़ा सवाल, क्या अनुपमा की खुशी है किशन भर की? नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने चैनल हंगरी स्पिरिट्स में। हंगरी स्पिरिट्स देख रहे सारे दर्शकों का मैं अंजू शर्मा दिल से स्वागत करती हूँ। आज एक पार्सल जो आया उसने अनुपमा की जिंदगी में बहुत सारी उम्मीदें, बहुत सारी खुशियां लाके रख दी। बहुत खुश है अनुपमा, और अनुपमा अकेले में जाके वो लेटर भी पढ़ती है जो हम कल पूरे डिटेल में देखेंगे और सुनेंगे। मगर ये खुशी क्या क्षणभर की है या फिर ये खुशी हमेशा के लिए है? बात करते हैं। पहले वही निवेदन, जिन्होंने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है कर लीजिए, साथ में दोस्तों बेल आइकन दबाइएगा ताकि आपको हमारे वीडियोस के नोटिफिकेशन मिलते रहे। तो प्रेम ने वो पार्सल जो है अनुपमा को बताया कि ये पार्सल बहुत पुराना है, काफी साल पहले आता जाता रहा है और अब आपके पास आया है तो किसी अपने का ही होगा। तो आप इतनी खुश हैं तो कहीं दूर जाके पढ़िए ना अकेले में, क्योंकि प्रेम कान्हा जी का सिंबल है और वो जानता है कि अनुपमा को दूर जाके ही पढ़ना चाहिए जहां पे उसको कोई डिस्टर्ब ना करे। इतने दुख में वो एक खुशी अनुपमा के चेहरे पे देखना चाहता है, जो कि कान्हा जी भी चाहते हैं। तो अनुपमा उस लेटर को जाके पढ़ेगी और समझेगी, मगर खुश हो जाएगी कि मेरे अनुज वापिस आ रहे हैं। मगर मेरे मन में ये जो सवाल है कि ये लेटर काफी साल पहले लिखा हुआ है। अगर अनुज उस लेटर में ये बात लिखता है कि मैं वापिस आ रहा हूं, तब तक तुम मेरी बेटी को संभाल के रखो, तब तक तुम ये सोचो कि बेटी की खुशी में मेरी खुशी है, मैं भी तुम्हारे साथ हूं जब तक आध्या तुम्हारे साथ है। तो अनुज उसके बाद आया क्यों नहीं इतने साल? क्या अनुज आना चाहता था और किसी ने उसको रोका? क्या अनुज किसी कैद में है जहां से वो खुद नहीं निकल पा रहा? क्योंकि अगर लेटर लिखने वाला अनुज है, जिसने वो लेटर लिखी है अनुपमा को, वो लॉकेट भेजा है, तो जो नहीं आया वो कौन है? जो अनुपमा को उम्मीद दिलाता है इतने साल पहले कि मैं आ रहा हूं, मेरी बेटी तब तक तुम संभाल के रखो, तुम दोनों खुश रहो, वगैरह वगैरह जो भी लेटर में जो भी उन्होंने लिखा है ना, जो भी आध्या के बारे में, अनुपमा के बारे में लिखा है, तो वो सब अगर उस समय अनुज ने लिखा है तो अनुज वापिस क्यों नहीं आया? इसका मतलब अनुज की मेमोरी तब तक तो थी। अगर हम मेमोरी लॉस की बात करें, अनुज होशो आवास में था तभी तो उन्होंने इतना लंबा लेटर लिखा और एक निशानी भेजी साथ में। तो कहां है अनुज, क्या हुआ है अनुज के साथ, क्या अनुज वापिस आएगा भी कि नहीं आएगा? इतने साल पहले लेटर लिखने के बाद क्या अनुज के साथ कुछ हुआ है? ये सारे सवाल आते हैं दिमाग में दोस्तों। बट इन सारे सवालों का जवाब यही होगा कि अनुज तो वापिस आएगा, मगर इन हालातों के बारे में पता चलेगा कि किन हालातों में अनुज फंसा हुआ था। तो क्या आपके मन में भी ये सवाल आता है, ये लेटर देखने के बाद, ये लॉकेट देखने के बाद? अनुपमा तो अभी खुश है, उसने कुछ नहीं सोचा इस बारे में, उसको यही लग रहा है कि मेरे अनुज वापिस आ रहे हैं। मगर जैसे ही अनुपमा सोचेगी कि इतने साल पहले की लेटर है और अनुज ने लिखा है कि मैं वापिस आ रहा हूं तो आया नहीं, तब अनुपमा थोड़ा परेशान भी होगी। देखते हैं आगे कहानी कहां जाती है, मगर फिलहाल सवाल तो उठता है। क्या कहते हो आप इसके बारे में, कमेंट कीजिएगा। देखते रहिए चैनल हंगरी स्पिरिट्स। थैंक यू सो मच। सब्सक्राइब टू आवर चैनल बाय क्लिकिंग द सब्सक्राइब बटन, क्लिक द बेल बटन एंड एंजॉय द लेटेस्ट अपलोड्स फ्रॉम आवर चैनल।